WWE के वो रेसलर्स जो बहुत खतरनाक हैं। दोस्तों हमें मालूम है कि WWE रेसलर्स को देखने के बहुत शौकीन होते हैं और आप फुर्सत मिलते ही इनके फाइट्स देखने लग जाते हैं। आज हम आपके इन पसंदीदा रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। बूगीमैन। दोस्तों WWE के रेसलर में सबसे भयानक जो चेहरा है वो है द बूगीमैन का। ये एक ऐसा रेसलर है जिसके करीब जाने से दूसरे रेसलर भी कतराते हैं। आपको बता दें कि हार जाने पर बूगीमैन अपने मुंह से केचुए निकालकर अपने साथी रेसलर्स के मुंह में डाल देता था और खतरनाक बात ये कि उसके गले में एक दिल लटका रहता था और हाथ में एक घड़ी। बूगीमैन एक राक्षस सरीखा इंसान लगता है। उसकी ये भयानक वेशभूषा उसे सबसे अलग कर देती है। वो चलता फिरता राक्षस लगने लगता है और फाइट के वक्त तो ये और भी भयानक हो जाता है। आपको कैसा लगा इस रेसलर का गेटअप? अंडरटेकर। दोस्तों आपको मालूम ही है कि अंडरटेकर को WWE का भगवान माना जाता है। ये बच्चों बड़ों और बूढ़ों सब में लोकप्रिय है। इसके चेहरे और गेटअप से आप सभी वाकिफ हैं। अंडरटेकर बहुत ही रहस्यमय व्यक्तित्व के मालिक रहे। हमेशा चर्चित रहने वाले अंडरटेकर के बारे में एक मिथक फैला हुआ है कि वो 7 बार मरने के बाद फिर से जीवित हो उठा। अंडरटेकर के बड़े स्टाइल से अंधेरे से रोशनी में आना और अपनी आंखों को चढ़ा लेना किसी को भी खौफजदा कर सकता है। हमें नहीं लगता कि अंडरटेकर से भयानक कोई भी रेसलर होगा। अगर आपके नजरिए में कोई और रेसलर है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। केन। तमाम रेसलर्स की अपेक्षा केन का WWE में आगमन बड़ा ही शानदार रहा। उन्होंने बहुत कम समय में लोकप्रियता हासिल कर ली क्योंकि केन के पास जहां बला की ताकत थी वहीं उसका भयानक लुक सबको डराता रहा। जब वो नकाब पहन के किसी जिन्न की तरह सामने खड़ा होता तो सबकी फटने लगती और भयानक लगने लगता था। वो रिंग में उतरने के बाद उसका आग लगाना उन्हें डरावना साबित करता। प्रतिद्वंदी भी केन की तरफ से डर महसूस करते। जैक रॉबर्ट्स। अपने साथ सांप को लेकर एंट्री करने वाले जैक को लोग द स्नेक मैन भी कहा करते थे। जैक की हरकत भी अजीब थी। जैक जब भी हारता वो अपने प्रतिद्वंदी को अपने सांप से कटवा देता, इसलिए जैक के प्रतिद्वंदी उससे फाइट करने से कतराते थे। दोस्तों रेसलर्स की ये फाइट्स क्या सचमुच असली होती है? क्या उनकी हर कातिलाना हरकत मान्य होती है? आप कमेंट में बताइए। पोल। दोस्तों रेसलर्स के रिंग में आपने इस आदमी को जरूर देखा होगा। डरावना सा लगने वाला पोल हमेशा अंडरटेकर के आसपास दिखाई देता रहा है। मजे की बात तो यह है कि लोग इस अजीब से पोल को भूत भी कहते हैं, तो कभी तांत्रिक समझते हैं जो अंडरटेकर को शक्तियां देता हुआ दिखाई देता है। पोल की अजीब सी शक्ल देखकर दर्शक वर्ग डर भी जाता है, जबकि पोल 5 मार्च 2013 को दुनिया से अलविदा हो गए। दोस्तों WWE की ये फाइट्स क्या सचमुच वास्तविक होती है? क्या ये रेसलर सचमुच इतने भयानक होते हैं या फिर ये सारी नाटकीयता हमें दिखाने भर के लिए है? आपको इन रेसलर्स की कौन सी फाइट शानदार लगी और किसका लुक भयानक कमेंट्स में बताइएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।